found a snake. Hello guys and welcome back to our channel. And we are back again with Triple the Masti, Triple the Fun and Triple the Maza. तो आज हम आए हैं दिल्ली के एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड और हिडन जगह को एक्सप्लोर करने। सीन ये हुआ था कि हमारा एक फ्रेंड है जो फोटोग्राफर है एंड उसको फोटोज खींचनी थी बर्ड्स की, एनिमल्स की। तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमें ये जगह मिली और इसका नाम है ओखला बर्ड सेंचुरी। तो आज की वीडियो में हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे ओखला बर्ड सेंचुरी को और देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है और हम यहाँ क्या क्या करते हैं, हमें कौन कौन सी बर्ड्स मिलती हैं यहाँ पे और कैसा हमारा पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इस पूरी जगह पर। चलो टिकट, और हमारे जो पर पर्सन यहाँ पे टिकट है वो है 30 रुपीज़। और अगर आप लोग कैमरा या फिर किसी भी तरह का कैमरा ला रहे हैं तो उसके हैं 500 रुपये पर कैमरा चार्ज। तो उसके हिसाब से आप लोग आ सकते हैं। हम लोग 4 लोग आए थे तो हमारी 120 रुपये की टिकट पड़ी है। तो अब चलते हैं अंदर एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। अभी हम यहाँ की नेचर ट्रेल एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यू है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है ये जगह। बहुत शांति है और मतलब इतनी फोटोज़ प्यारी प्यारी तुम खींच सकते हो ना यहाँ पे। फोटोग्राफी के लिए दिस प्लेस इज़ द बेस्ट। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे है ये बिल्कुल यहाँ पे लेक और ये यहाँ की सबसे मतलब मेन अट्रैक्शन है, मैं यही बोलूँगी। ये सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। तो अभी ये लोग भी यहाँ पे अपने मजे कर रहे हैं, ये स्पेशली आए हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करने। एंड सर, आपको कैसा लगा ये जगह? हम सर से पूछना चाहेंगे आपको। सर आपको पक्षी कितने मिले? आप फोटो खींचने मिले सर? आपको पक्षी कितने मिले? पक्षी मिले सर आपको? लेके तो चल रहा हूँ साथ में। अभी हम यहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जाके ना थोड़ा सा आगे जाके अभी एक टॉप पे एक वो है मतलब टावर है, वहाँ पे जाके पूरा बर्ड सेंचुरी का व्यू दिखता है। तो अभी हम आगे चलते हैं और उसको भी देखते हैं। चलो चिड़िया तो नहीं दिखी है, लेकिन ऐसे बोर्ड कई सारे दिख गए हैं। तो आप इनको मैच कर करके ढूंढ सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी चिड़िया आपको दिखती है। ये पूरी नेचर ट्रेल है जिसपे हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। अभी हमें ये पक्षी दिख रहे हैं कुछ, ये जमीन पे आ गए, ये यही दिखे हैं बस अभी तक। ये थोड़े पतले वाले हैं, ये थोड़ी रितिका जैसी है। ये नीचे वाली जो नीचे वाली बैठी है, हट्टे कट्टे और ये रबीटा भी ऊपर कपल्स है। थोड़े थोड़े पक्षी दिखने स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे इतना एक डेढ़ किलोमीटर चलने के बाद। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है कितना, 1:13 उनका लंच टाइम ओवर हो गया है तब हमें दिखने लग गए वो बाहर निकल रहे हैं अपने चिड़ियाघर से। भाई हम जब मैं यहाँ पे आई थी उस वाले में इतनी वीडियो देख रही, उसमें देखा था यहाँ पे लोग बोल रहे किंग फिशर मिलता है, एक रेनबो कलर का पक्षी दिखता है। अभी अभी कुछ भी नहीं दिख रहा हम लोग, कुछ भी नहीं दिख रहा चारों तरफ। बस आप फोटोग्राफी के लिए जगह बहुत बेस्ट है और अगर आपको एक पीसफुल जगह कोई ढूंढ रहे हो दिल्ली में पिकनिक करने के लिए या फिर फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लोर करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, तो दिस इज द प्लेस।
बाकी आगे चलते हैं, वो टावर ढूंढ रहे हैं अभी तो हम, उसके बाद वहाँ से व्यू देखेंगे पूरा। चलती वहाँ पे नाचेगी बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। चलो चलते आगे अब। हमें ये देखे हिरन, हिरन ही है ना, भाग गया यार। अभी तो हिरन आए थे, यही याद भी था, मैं सोच रही मेरे को देख के भाग गए, इसने भगाए थे वो हिरन, याद करके भगाए, ले कालू ले आ जा। उसने एक बार ऐसे देखा उसके बाद भाग गए भाई वो, डर गए। अच्छा ये बताओ तुम सजेस्ट करोगे इस जगह को, अगर तुम्हें दिल्ली में जंगल देखना है तो आ जाओ, अभी टाइम स्पेंड करना है साथ में, मजा आएगा। तो ढेर चिड़ियाओं के लिए नहीं है, चिड़ियाओं के लिए नहीं है, अपने बंदे के लिए आ सकते हो तुम। फोटोग्राफर तो डिसअपॉइंट हो चुका है हमारा बिल्कुल। फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मॉर्निंग में आओ, मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग उसमें फिर भी मिल सकती है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे लेक के पास, और यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े बर्ड स्पॉट हो रहे हैं, एंड आयुष इज ट्राइंग टू कैप्चर समथिंग, एनीथिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे ये बर्ड्स दिख रहे हैं, ये डक्स हैं, कैमरा में ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, दिखाते हैं शॉर्ट्स कैमरा के भी। इस प्रकार का कुछ झूला है, टावर है, झूला है, झूला टावर है, निकाल दो। और दिस इज द व्यू, गाइस वी फाउंड अ स्नेक, गाइस ये देखो ओ भाई, मैं तो उससे चिल्लाती आ रही थी, साफ साफ साफ, फाइनली वी फाउंड अ स्नेक। बस ये जगह ना प्लीज भाई सोता रहा, यू आर लुकिंग नाइस। तो यहाँ से है वॉच टावर का जाने का रास्ता, और अब तक हम लोग ये पूरा घूम कर आ चुके हैं, पता कितना है भाई ये, पर चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, सही में। मेरे ख्याल से ये जो पूरा स्ट्रेच है ये होगा आराम से 3-4 किलोमीटर का, उससे भी लंबा भाई, 3-4 किलोमीटर का, हाँ हाँ इतना ही हो सकता है। तो अभी हमें वॉच टावर का रास्ता मिल गया है, तो अभी हम वहाँ से चलते हैं, वहाँ से पूरा व्यू देखते हैं। और कृपया अकेले मत आना, और तुम्हारे पैरों में जान नहीं है तो यहाँ गाड़ियाँ भी चलती हैं, हाँ फॉर सीनियर सिटीजन, तो उनमें भी आ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से भी एक डाइवर्जन जा रही है, आपको एग्जिट लेनी है तो अब यहाँ से भी ले सकते हो, बाकी वॉच टावर के लिए फिर यहाँ से। चलो आपको दिखेगा, अब यहाँ से आपको नीचे जाना है यहाँ पे। यहाँ से जा रहा वॉच टावर पर जाने का रास्ता, ये है ब्रिज, ओ ये है, ये है। ये रहा बोर्ड, ये रहा मैं फाइनली टावर स्पॉट हो गया, टावर नहीं है ये, जो भी है। चलते हैं आगे।
आ चुके हैं और व्यू तो काफी अच्छा दिख रहा है। पूरी ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरी मुझे तो लगे ये जो पूरी आपको दिख रही है, ये पूरी ओखला बर्ड सेंचुरी है। और यही पानी हम पूरे अभी रास्ते देखते आ रहे हैं और सामने नोएडा की बिल्डिंग्स हैं। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है कहीं कसम से कहाँ पर आ गए हम, न्यूयॉर्क सिटी में। लेकिन अभी कोहरा थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम है चीजों की। एक वो टावर है और एक ये टावर है, यहाँ पे दो टावर्स हैं। वो टावर हमें दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिखेगा, यहाँ आना पड़ेगा देखेंगे। तो अब हमारा पूरा ओखला बर्ड सेंचुरी का टूर यहाँ पे आके फिनिश होता है और हमने यहाँ से पूरा व्यू देख लिया है। जो जो दिख रहा है हमें दिख पा रहा है, हमने आपको भी दिखाया अभी वीडियो में। और मैं ये बोलूंगी कि आपको इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए ही चाहिए। और बर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि अभी तो हमें बहुत रेयरली ही कोई बर्ड दिखी है। और पैरों में जान लेके आना। एग्जैक्टली, मतलब बहुत चलना पड़ेगा आपको, घूमना है अगर पूरा। अभी ये बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ से आपको पीछे का पूरा जितना एरिया दिख रहा है, ये पूरी बर्ड सेंचुरी है। तो इसको घूमना पूरा आई डोंट थिंक पॉसिबल है कैसे भी। हाँ, जो वहाँ पे रिक्शा चलती है उससे आप घूम सकते हो, गोल्फ कार कहते हैं जिसको। हाँ। जो एयरपोर्ट पे भी चलते हैं, तुम्हें पता होगा। तो ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा पार्क है, ये मतलब बहुत बड़ी सेंचुरी है ये। लेकिन पीस के मामले में और नेचर के उसमें, अगर आप कोई दिल्ली में जगह ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस सीरियसली। तो ये था हमारा पूरा ओखला बर्ड सेंचुरी का टूर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और अपनी जगह बताओ यार, हम जो विजिट कर सकते हैं जो हमें नहीं पता। प्लीज रेकमेंड सम प्लेसेस। ओके, तब तक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।